हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 9.2। आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने प्लस करना सीखा था, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा माइनस करना सीखा, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा मल्टीप्लाई करना सीखा, आज क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा डिवाइड करना सीखेंगे। किनका? फ्रैक्शनों का, भिन्नों का। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। आपको -4 को डिवाइड करना है 2/3 से। किस तरह से होगा ध्यान देना, ये बेटा -4, ध्यान से सुनना बेटा, यही मेन बात है इन सारे क्वेश्चन। आप यदि इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना चाहते हो तो बेटा इधर लिखा हुआ नंबर पलट दो, बस इतनी सी बात। तो बेटा 2/3 को 3/2 लिख दिया, ठीक है। अब बेटा ये दोनों नंबर जो ऊपर नीचे लिखे हैं 2 के टेबल से कैंसिल हो, तो कर देते हैं 2 1 2, 2 2 4, ये आ गया -2 और (3), ये बेटा -2 का 3 में मल्टीप्लाई 6। आंसर क्या बना बेटा? -6, ठीक है। अब इधर चलो, ये -3/5। डिवाइड को यदि आप मल्टीप्लाई में बदलना चाहते हैं तो इधर लिखा हुआ नंबर पलट दो। इधर क्या लिखा है? 2 लिखा है, 2 का मतलब 2/1, एक ही बात है, ठीक है। इसे पलट दो तो 2/1 को पलटोगे तो 1/2 हो गया, ठीक। अब बेटा इसे सॉल्व करना है। आप ध्यान दो, ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर किसी एक नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे, फिर क्या करते हैं बेटा, ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर में होता है मल्टीप्लाई और नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर में हो जाता है मल्टीप्लाई। कर देते हैं, ये -3/1 में मल्टीप्लाई 3, 5/2 में मल्टीप्लाई 10। आंसर क्या हुआ बेटा? -3/10। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा ध्यान दो, -3 के अपॉन में कोई नंबर नहीं है तो बेटा अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसे लिखो -4/5, ठीक है। डिवाइड को बेटा मैं मल्टीप्लाई में बदलना चाहती हूँ तो यहाँ लिखा हुआ नंबर पलट जाता है, -3/1 हो गया 1/-3, ठीक है। अब आपको देखना होता है ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं, तो बेटा नहीं हो रहे, तो सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल करोगे, फिर क्या करते हैं ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई और बेटा नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई। 4/1 में मल्टीप्लाई 4, 5/3 में मल्टीप्लाई 15। आंसर क्या बनेगा? 4/15, ठीक है। इधर देखिए, ये -1/8, यहाँ डिवाइड साइन है, मैं इसे मल्टीप्लाई में बदलना चाहती हूँ। कैसे बदलेगा? यहाँ लिखा हुआ नंबर पलट दो, 3/4 को 4/3 लिख दिया, ठीक है। अब बेटा आप ध्यान दो, ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर यदि किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो करो, तो देखिए ये 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 4 1 4, और ये बेटा 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 4 2 8, तो ये बेटा 4 1 4 और ये 4 2 8, ठीक है। ये माइनस, अब बेटा आगे क्या, ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई, 1/1 में मल्टीप्लाई 1, नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई, 2/3 में मल्टीप्लाई 6। आंसर क्या बना? -1/6। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बेटा -2/13, इस डिवाइड को मुझे मल्टीप्लाई में बदलना है, इधर का नंबर पलट जाएगा,
1/7, 7/1 बन गया। अब आपको देखना होता है ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। बेटा नहीं हो रहे तो क्या करेंगे, ये माइनस ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई, 2 का बेटा 7 में मल्टीप्लाई 14, और बेटा नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई, 13 का 1 में मल्टीप्लाई 13, ये बेटा आंसर बन गया। आगे चलो, ये माइनस 7/12, यहाँ बेटा डिवाइड का साइन है, मुझे मल्टीप्लाई करना है तो बेटा इधर वाला नंबर पलट दो, 13/-2 हो गया। अब आपको देखना होता है ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर किसी एक नंबर से कैंसल हो रहे हैं या नहीं। बेटा नहीं हो रहे तो क्या करें, सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसल, फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई, 7 का 13 में मल्टीप्लाई 91, नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई, 12 का 2 में मल्टीप्लाई 24। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये 3/13, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना है, इस नंबर को पलटना है, 65/-4, ठीक है। अब आपको देखना होता है ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होंगे या नहीं। तो बेटा ये दोनों नंबर 13 के टेबल से डिवाइड हुए, तो कर देते हैं 13 1 13, 13 5 65, ठीक है। तो क्या आया बेटा, ऊपर है 3 × 5, नीचे बेटा 1 × −4। अब बेटा ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई, 3 का 5 में मल्टीप्लाई 15, नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई, 1 का 4 में मल्टीप्लाई 4, और बेटा ये माइनस साइन है ये भी लगा दो। इस साइन को बेटा आप ऊपर भी लगा सकते हो, एक ही बात है। आंसर क्या बना, -15/4।